हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास प्लस वन के अंदर वेक्टर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वेक्टर्स में अब जो हमें आज डिस्कस करना है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, हम इसको स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल्सो नेम एज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आप समझिए, वेक्टर्स को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कौन सा मेथड है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का। देखिए, अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो देर आर टू मेथड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। पहला मेथड हमारे पास आता है, इट इज नेम एज डॉट प्रोडक्ट। हम इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम देंगे और हम इसको स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। दिस इज ऑल्सो नेम एज स्केलर प्रोडक्ट। तो आप यहां पर कह दीजिए, या तो इसको डॉट प्रोडक्ट कह दीजिए या इसको स्केलर प्रोडक्ट कह दीजिए। आगे चलिए, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर हमारे पास आता है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। या तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कह लीजिए या आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास ये आ गया, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, हम इसके बारे में अब बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। सो हम अब यहां पर अपना स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट शुरू करते हैं। समझिए इसको, सबसे पहली बात, इसको नाम क्यों दिया गया है, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर जब हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। ड्यू टू दैट रीजन हम इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट का भी नाम देते हैं। और कैसे पढ़ेंगे उसको देख लीजिए। अब हम अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो उसको समझिए कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात सुनिए, जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी इसलिए है बच्चों क्योंकि जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। ड्यू टू दैट रीजन, बिकॉज वर्क जो होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए जो वर्क होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज यहां पर स्केलर प्रोडक्ट हुआ है। और स्केलर प्रोडक्ट की खास बात यही है कि स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होता है। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में हमने ये सीख लिया कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसीलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर हमने लिया, दिस इज ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये रहा, दिस इज बी वेक्टर। अब आप ये बताइए, अगर हमने एक वेक्टर ए वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है ये रहा, हमने इनका डॉट प्रोडक्ट किया है, तो समझिए डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है। डॉट प्रोडक्ट का तरीका है, आप करेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी के अगर मान लीजिए आपने यहां पर कोई दो वेक्टर कंसीडर कर लिए, एक वेक्टर आपके पास ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स का अगर मैं दोनों के बीच में एंगल थीटा है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा दैट डॉट प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, वो इस तरह से हमारे पास होगा। और इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर
अगर हम यहां पर डिस्कशन करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साथ में यहां पर कोस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये हमारे पास यहां पर आ जाता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हमारा कोई भी एक वेक्टर थ्री डायमेंशन में हो, दूसरा वेक्टर भी थ्री डायमेंशन में हो, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप वो भी सीख लीजिए। देखिए ध्यान से, आप यहां पर समझिए, मान लीजिए एक वेक्टर ए वेक्टर आपको दे रखा है, दिस इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आगे चलिए, अगर हम बात करें बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये रहा। हम अगर यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें तो आप इसको सीखिए, आप इसको कैसे करेंगे। दिस इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट। इधर आ जाइए, यहां पर आ जाइए, दिस इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपने यहां पर इनका डॉट प्रोडक्ट अभी लिखा है, अभी किया नहीं है, तो चलिए हम यहां पर इनको डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे उसको समझिए आप। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आप ए एक्स ये रहा, इसका मतलब क्या है, ये ए वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये ए वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्शन देगा अलोंग एक्स एक्सिस। ये ए वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है अलोंग वाई एक्सिस, और ये डायरेक्शन देगा अलोंग वाई एक्सिस। इन द सेम सेंस, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अलोंग जेड एक्सिस, और ये डायरेक्शन है अलोंग जेड एक्सिस। चलिए, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन ये देगा, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। इसकी बात करें, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। चलिए, अब आप ए एक्स को और यहां इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर ए वाई को तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर ए जेड को तीनों से मल्टीप्लाई करो। चलो हम शुरू करते हैं कैसे करेंगे। दिस इज ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आया ए एक्स इंटू बी एक्स। आगे चलिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, और हमने यहां पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, बिकॉज बीच में डॉट का साइन है, और ये डॉट का साइन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, ये स्केलर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हमने स्केलर्स को तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है और वेक्टर्स को हमने यहां पे डॉट प्रोडक्ट किया है। आगे चलो, नेक्स्ट इज हियर, दिस इज ए एक्स बी वाई, ये हमने लिखा, एंड दिस इज आई कैप डॉट जे कैप। आगे चलिए, नेक्स्ट इज ए एक्स इंटू बी जेड, ये रहा अगेन आई कैप इंटू के कैप। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है उसको समझो, ए वाई को बी एक्स से मल्टीप्लाई करो, दिस इज ए वाई इंटू बी एक्स, ये रहा जे कैप डॉट आई कैप। यहां जो अब ए वाई इंटू बी वाई, आगे चलो जे डॉट जे, नेक्स्ट इज ए वाई इंटू बी जेड, ये रहा जे डॉट के। आगे चलो, अब हम यहां पर
ए जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे बी एक्स बी वाई बी जेड से, वो कैसे उसको भी देखो, दिस इज ए जेड बी एक्स, आगे चलो के कैप डॉट आई कैप, आगे चलो ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, आगे चलो ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। नेक्स्ट, अब हम यहां से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर दे रखे हैं तो उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम इस तरीके से यहां पर कर सकते हैं। अब आप सीखिए, यहां पर आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो कि स्केलर है ये वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यहां पर इन वेक्टर्स का भी डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो आप सीखिए कैसे करेंगे, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इधर आइए, ये भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ये भी दो वेक्टर का और ये भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। चलिए अब हम यहां से आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, बताइए ये हमारे पास आई कैप है, ये भी आई कैप है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक आपके पास आई कैप है दूसरा भी आई कैप है, जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देता है, तो एक बात बताइए ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देगा, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दोनों के बीच में एंगल हो गया जीरो। अब आप ये वाला फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कीजिए, कैसे बनेगा देखिए, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो बताइए कैसे करेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन आई एंड आई, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो यहां पर आप लिखेंगे दिस इज कॉस ऑफ जीरो, और कॉस जीरो होता है वन, तो आप देखिए यहां पर है आई कैप का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन, यहां पर भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, कॉस जीरो वन, तो आपके पास आ गया वन, यानी कि आप सीख गए होंगे आई डॉट आई यानी कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट इज फिर हमारे पास यहां पर है जे कैप डॉट जे कैप, क्या लिखोगे, जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन जे एंड जे, ये जो जे होता है ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है, ये भी वाई एक्सिस के अलोंग है दूसरा जे भी, तो इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी जीरो, तो यहां पर आया आपके पास कॉस ऑफ जीरो। अब आप देखिए जे का मैग्नीट्यूड यहां पर वन हुआ, जे का मैग्नीट्यूड वन हुआ, कॉस जीरो वन हुआ, आपके पास जो रिजल्ट आया दिस इज आल्सो इक्वल टू वन। आगे चलिए के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ जीरो, वो कैसे, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग है, ये भी जेड एक्सिस के अलोंग है, दोनों जेड एक्सिस के अलोंग है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल जीरो। यहां पर देखिए क्योंकि ये के कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, बच्चों यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन अगर आप पढ़े तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में साफ साफ लिख रखा है कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट यानी के वन होता है। आगे चलिए यहां पर आप सीख गए होंगे आई डॉट आई वन हो गया, जे डॉट जे वन हो गया, के डॉट के भी वन हो गया। अब आप यहां से देखिए अगर आपसे पूछा जाए आई डॉट जे क्या है, तो सीखिए आई जो है
वो यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस और जे यूनिट वेक्टर होता है अलोंग वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल जीरो या कुछ और वो सोचिए। देखिए आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब आप यहां पर देखिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप लिखेंगे आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ 90 और कोस 90 जीरो होता है, तो यहां पर आपने एक वैल्यू को पुट किया। आगे चलिए नेक्स्ट इज, आगे देखिए यहां पर क्या करेंगे अब आप, अगर आपसे कहा जाए बताइए जे कैप डॉट के कैप क्या होगा, तो आप लिखेंगे दिस इज जे कैप का मैग्नीट्यूड के कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ 90 डिग्री, कोस 90 भी क्या है जीरो। आगे चलिए अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि बताइए के कैप डॉट आई कैप क्या होगा, इट विल बी यहां पर होगा के कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ 90, ये भी जीरो होगा। तो अब आप यहां से सीख लीजिए कि जिन जिन के बीच में एंगल होगा जीरो डिग्री वहां पर तो डॉट प्रोडक्ट आएगा वन, और जहां पर एंगल होगा यहां 90 डिग्री वहां पे डॉट प्रोडक्ट आएगा जीरो। तो देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है जीरो, तो यहां पर रिजल्ट आएगा वन, इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो जीरो होगा, ये यहां से कट जाएगा, खत्म कर दो इसको, ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी एंगल जीरो है, इन द सेम सेंस ये भी खत्म हो जाएगा, यहां पर एंगल 90, यहां पर एंगल 90, यहां पर भी एंगल 90, यहां पर एंगल जीरो है ये बच जाएगा, यहां पर एंगल 90 ये भी खत्म हो जाएगा, यहां पर एंगल 90 ये भी खत्म हो जाएगा, यहां पर एंगल 90 ये भी खत्म होगा, यहां पर एंगल जीरो ये बच जाएगा। तो अब आप यहां पर जो रिजल्ट बना है उस रिजल्ट को समझिए, आपके पास इसके लिए क्या रिजल्ट बना उसको आप देख लीजिए, समझिए। अगर आपसे कहा जाए देखिए यहां पर लास्ट में आपके पास क्या रिजल्ट आया है उसको सीखिए, दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, दिस इज ए एक्स बी एक्स, डॉट प्रोडक्ट वन आ गया, तो क्या लिखेंगे दिस इज ए एक्स बी एक्स, ये हमने लिखा। यहां से आगे चलिए ये बचा है क्या बना है, दिस इज ए वाई बी वाई, आगे चलो दिस इज ए जेड बी जेड, ये रहा। नेक्स्ट हमने इसको यहां पर लिखा और इस तरीके से हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो उनका जो रिजल्ट आया है दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आपके पास यहां पर रिजल्ट आया है। अब हम इसके अंदर दो चीजें सीखते हैं, हम इसको थोड़ा सा यूं कहें कि शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो हमारे मतलब की चीज है, जो रिजल्ट हमारे पास आया है हम उन रिजल्ट्स को भी अब याद रखेंगे। देखिए अगर दो वेक्टर हमारे पास दे रखे हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। आगे चलिए उसके बाद अगर ए वेक्टर इस तरह से थ्री डायमेंशन में है, बी वेक्टर भी इस तरह से थ्री डायमेंशन में है, तो आप अगर ए डॉट बी यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो इन दैट केस आपके पास ये रिजल्ट आया है। तो आप यहां पर इसके इसको सिंपली लिख सकते हैं क्या भला कि आप ये जो रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट यहां ऊपर लिख दीजिए, क्या बनेगा उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखो इसको, ए ये रहा बी ये रहा, क्या बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड,
ये आपके पास इससे लिंक यहां पर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट से आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहां पर ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, ये लीजिए ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हमारे पास और सीखने के लिए क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे चले तो आपको इसके अंदर दो तीन चीजें सिखाता हूं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है उसको देखिए। जो ये हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की है, अगर हम इस स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, बताइए स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में हम यहां पर अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। समझिए क्या यहां पर है, इसके बारे में हम क्या बात करेंगे, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें, तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है, जो भी नाम लेना चाहे ले सकते हैं आप इसका, डॉट प्रोडक्ट कहिए या स्केलर प्रोडक्ट कहिए, जो डॉट प्रोडक्ट है दिस इज कॉमुटेटिव। दिस इज व्हाट, क्या है ये? कॉमुटेटिव है। इसका मतलब है कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये ऐसे कहना चाहता है कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें तो वो दोनों रिजल्ट सेम आते हैं, ये ऐसा कहना चाहता है। आप इसको कैसे देखेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, उसको सुन लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड बताइए क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बताइए क्या बनेगा, दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो बताइए राइट हैंड साइड में क्या है, दिस इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। आगे चलिए बताइए, यहां से ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहां पर भी ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। एक बात बताओ, अगर आपने यहां पर कोई दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर आपके पास एक ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो आप ए और बी के बीच का एंगल कहो वो भी थीटा होगा, बी और ए के बीच का एंगल कहो वो भी थीटा होगा। अब आप समझिए, यहां पर ए का मैग्नीट्यूड, यहां पर भी ए का मैग्नीट्यूड, यहां पर बी का मैग्नीट्यूड, यहां पर भी बी का मैग्नीट्यूड, यहां पर कॉस ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी, यहां पर भी कॉस ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। तो आप कह सकते हैं कि जो ये रिजल्ट आएगा वही ये रिजल्ट आएगा। फ्रॉम दिस यू कैन से दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपके पास यहां पर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए क्या है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। समझिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे।
ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई तीन वेक्टर दे रखे हैं और आपने ले लिया उनको, एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तीसरा वेक्टर सी वेक्टर है, आपने लिया, आपने सबसे पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड कर दिया, ये रहा, और बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करके आपने ए से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, आप ऐसा कहें या आप पहले आपने ऐड किया है बाद में आपने डॉट प्रोडक्ट किया है, आप ऐसा कर लें या फिर आप ऐसा कर लें, दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये क्या कहा इसको भी सुनो, यहां पर देखा आपने बी और सी को ऐड किया फिर ए से डॉट प्रोडक्ट कर दी, या तो आप ऐसा कर लो यानी कि पहले ऐड कर लो बाद में डॉट प्रोडक्ट कर लो, या फिर यहां जाओ पहले इधर डॉट प्रोडक्ट करो फिर इधर डॉट प्रोडक्ट करो और फिर आप ऐड कर लो, एक ही रिजल्ट आपके पास आएगा, यानी कि जो रिजल्ट आपके पास ये आया है वही रिजल्ट आपके पास ये भी आएगा। दिस सेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर मैं यहां पर आपको तीसरी प्रॉपर्टी बताऊं तो देखिए आपके पास और थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनती है, गौर से समझिए इसको। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है ये रहा और इसी ए वेक्टर का इसी ए वेक्टर से मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि एक बात बताइए ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने ए वेक्टर से ही कर दिया है, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा जीरो, तो आप यहां पर देखिए क्या बनेगा आपके पास, आपके पास आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ जीरो, और जो कॉस जीरो होता है वो वन होता है, तो आपके पास यहां पर आ गया दिस इज ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि अगर हम किसी एक वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। आई रिपीट, अगर हम किसी एक वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम यहां से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं यहां पर एक वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर है, अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं बट ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इन दैट केस बताइए आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 90, और कोस 90 होता है जीरो, तो यहां पर हुआ जीरो, तो सारी वैल्यू क्या आ चुकी है जीरो। तो आपको यहां से सीखना मिलेगा सीखने को वो क्या है, वो ये है अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, यानी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी जीरो। और सीखिए अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो समझ लीजिए वो दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आई रिपीट, यहां पर आपने क्या सीखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक बात है, यहां से ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपके पास यहां पर आ गया। आगे चलिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ जीरो बिटवीन ए एंड ए, कोस जीरो क्या होता है वन, तो यहां पर क्या आया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आगे चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, क्या करोगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ 90, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
इन दैट केस आपको करना पड़ेगा, यहां पर आप cos 90 देखिए वो जीरो हुआ तो पूरी वैल्यू जीरो आ गई, यानी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। आप ऐसा भी कह सकते हो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वो दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम अब इससे भी थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। आप समझिए इस चीज को, अगर मैं आपसे पूछूं दो वेक्टर हमारे पास दे रखे हैं, दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है दैट इज जीरो डिग्री, यहां पर तो एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था ना, अगर दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो डिग्री हो तो कैसे होगा, यानी कि यहां पर एक वेक्टर आपके पास ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, इनके बीच में जो एंगल है वो मान लीजिए जीरो डिग्री है, मतलब ये दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। जब पैरेलल होते हैं ना वेक्टर तो उस समय उनके बीच में एंगल जीरो डिग्री होता है। तो यहां पर कहोगे क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ जीरो, कोस जीरो वन होता है तो यहां पर क्या आया, दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आगे चलिए, अगर हम यहां से एक चीज और देखें कि हमने दो वेक्टर यहां पर डॉट प्रोडक्ट की है बट दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, मतलब ये ए और बी मान लो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, उस केस में आप क्या करेंगे, तो आप समझिए उस केस में क्या करना है, दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ 180। अब आप देखिए हमारे पास जो कोस ऑफ 180 होता है उसकी वैल्यू माइनस वन है तो यहां पर आ गया माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब यह हुआ अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो डिग्री है तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का नेगेटिव साइन लिए हुए होगा। ये चीज यहां पर ये कहना चाहता है, हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है यहां पर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से लिंक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे वो सभी के सभी न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ इनके बेसिस पे आएंगे। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, बिल्कुल मैंने आपको जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो मैंने आपको बताया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये बार बार वीडियो देखनी है, जो डाउट आपको आए वो डाउट आप यहां पर व्हाट्सएप से कंसल्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।